बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो के बारे में आपको अपडेट रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे कुछ हौसला मिल सके कि मैं इस जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपको पसंद है या पसंद नहीं है, तो मुझे आपकी लाइक से पता चल जाएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस बार मेडिकल कॉलेज के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन करने वाले हैं, तो आइए एक टॉपिक देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ही ऑल अबाउट एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ सिंध। ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि पेज के फेसबुक उसने ये अपडेट नवंबर 4 पर किया है कि एडमिशन अपडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्शन स्टार्ट डियर एडमिशन प्रोसेस फ्राम 12 नवंबर 2018 रिगार्ड्स। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट प्रपोज शेड्यूल वी सर साद पंजाबी कैंडिडेट फ्राम केपीके कैन आल्सो अप्लाई। तो ये आपने देखा कि ऑल अबाउट एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्शन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट फ्राम 12 नवंबर 2018 MBBS सीट 1200 आलमोस्ट BDS सीट 450 आलमोस्ट मेडिकल कॉलेज 12 एडमिशन विल बी प्रोसेस बाई JSMU कराची टिस एक्सेप्टेबल जो कि है वो है पंजाब UHS इंडिकेट 2018 KPK वाला ईटा सन वाला NTS 28 अक्टूबर वाला इस तरह बलूचिस्तान के स्टार स्टार है। How to apply from 12 नवंबर 2018 professors will be available at major TCS branches. All you have to do is buy it, fill it, attach required documents, TCS to JSMU Karachi. तो दोस्तों, ये आल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक पेज है, उसने ये एक टॉपिक बना दिया है कि ये होगा, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, इस तरह उनके कुछ कमेंट्स का मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई, निमरा नूर कहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई, तो इधर कहते हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नौफ फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो वो TCS ब्रांचेस से मिलेंगे। ठीक है, ये उस पेज ने उनको दिया। कैन यू टेल मी किस किस सिटी के TCS ब्रांचेस उसने बिल विल प्रोवाइडर्स बी अवेलेबल इन मुल्तान, तो इधर उन्होंने होपफुली TCS ऑफिस इनको तो बैंक्स पर अवेलेबल होना चाहिए था, TCS ऑफिस में किया करेगा। ठीक है, सिंध में अक्सर दूर दराज तक बैंक काम और TCS स्टॉल ज़्यादा है, इस वजह से JSMU ने TCS आउटलेट्स को ज़्यादा प्रेफर किया है। ठीक है, सही नम्स के टेस्ट कंसिडर नहीं होगा किया। ठीक है, शेड्यूल में मेंशन होगा, इस वक्त उसका 100% एश्योरिटी से नहीं कह सकते, कल तक 100% कर पाना बता दूंगा। ठीक है, बलूचिस्तान प्लीज़ टेल के बीके वाले पंजाब स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, करेगा बट कोटा सेट पे, अभी तक कोई प्रोसीडिंग है। ठीक है, इस तरह बहुत से कमेंट्स है, ये कंफर्म है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत से कमेंट्स है। मैंने आपको कुछ ना कुछ दिखा भी दिया, अगर आप इंटरेस्टेड से इसमें तो आप आल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो पेजेस है ओहो आप चेक कर दें। ये 4 नवंबर की उन्होंने एक पोस्ट की है, लेकिन मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों की वजह से, ताकि आप लोग बार बार कमेंट्स में मुझे मैसेज कर दें कि आप सिंध के बारे में कुछ बताइए। तो सिंध के बारे में ये एक पेज था जो मैंने आपको बता दिया, अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि आया होगा या नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।